चितिन मॉल एंड हम अपने डिनर मील में पहुंच चुके हैं और इस मील का नाम है द कॉलीफ्लावर राइस। कॉलीफ्लावर को ग्रेट करा है, दिखाऊंगा मैंने सब कुछ कैसे करा है, बहुत स्टाइल से करा है। इसके अंदर जो हमारे मैक्रोस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन इसके अंदर है 27 ग्राम्स, कार्ब इसके अंदर है 5 ग्राम और फैट ओनली 2 ग्राम। कैन यू इमेजिन, मसल्स तो बना के छोड़ने ही हमने। और चलिए चलते किचन में और करते हैं धमाका फाइनल मील पे। चलिए, सो इस रेसिपी को तो बनाने के लिए हमें चीज़ें जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर पड़ी हुई हैं। 100 ग्राम्स 120 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट ग्रिल्ड है, मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे बनाई है। थोड़ा सा मैरिनेशन करा इसके अंदर, उसके बाद मेक श्योर अदरक लहसुन यानी जिंजर गार्लिक का ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद हमें चाहिए हाफ लेमन, उसके बाद धनिया, टमाटर मैंने एक काटा है मैं बताऊंगा मैं इसको हाफ हाफ यूज़ करूँगा, और अनियन आप कोई भी कलर की ले सकते हैं, ये भी एक अनियन मैंने चॉप करके इधर रखी है। फिर चाहिए ब्लैक पेपर, उसके बाद ये हमारी स्पाइसेस हैं, धनिया है, हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, मिर्ची है और जीरा पाउडर, क्यूमन पाउडर है, ये सबको मैं भी घुमा के मिक्स कर दूंगा और इकट्ठा डालने वाला होंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा बेस रहेगा वो है ये है कॉलीफ्लावर यानी गोभी। मैंने इसको कद्दूकस करा है, ग्रेट करा है, हाफ मैंने करा है, एक कप मेरी छोटी गोभी थी तो एक कप मैंने ये ग्रेट करके इसके अंदर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसको कैसे ग्रेट करा है। सो आपने देखा मैंने कैसे गोभी को ग्रेट करा है, कद्दूकस करा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चिकन को कैसे मैरिनेट करने वाला हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये चिकन ब्रेस्ट पड़ी है, ये 100 तो नहीं है, ये ज़्यादा है, 120 ग्राम में यूज़ करता हूँ, बट आप 100 कर सकते हो। इस पे दोनों साइड सॉल्ट और पेपर और लेमन डालना है और इसको ग्रिल करना है, दैट्स इट। और लेमन, दिस इज व्हाट द मैरिनेशन फॉर चिकन इज। बाकी सब यहाँ पे आप देख चुके हो, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो फ्लेम को मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ, हाई पे रखूँ ताकि पैन गर्म हो जाए, और उसके अंदर मैं डालने वाला हूँ ऑलिव ऑयल, मतलब यही ग्रेप सीड ऑयल है, आप ऑलिव ऑयल यूज करना अगर ग्रेप सीड अवेलेबल है इंडिया में, तो मेक श्योर यूज दैट। 2 चम्मच ऑलिव ऑयल या ग्रेप सीड ऑयल जो भी आप यूज करने जाते हैं वो डालेंगे, और ऐसे फ्लो करना चाहिए तेल, पैन गर्म हो गया इसका मतलब तेल फ्लो करेगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम पहले इसके अंदर अनियन डालेंगे, हाफ अनियन डालनी है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, ये एक है यहाँ पे, मगर हम हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, बर्न नहीं करना, हल्का सा ब्राउन। अब चेक करते हैं, मैंने लिड लगा दी थी, आप वैसे ही ब्राउन कर लेते हैं, आप उस सारे जैसे आपको करना है, और बहुत हल्की सी हुई है देख सकते हैं आप, मैंने बर्न नहीं करा। इसके बाद जो ये सारे मसाले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, मैं इनको कर दूंगा ऐसे मिक्स, सॉल्ट भी था इसके अंदर, और मिक्स करने के बाद मैं इसको डाल दूंगा इधर, और मैं इसको पूरे को मिक्स करने वाला हूँ। इससे तड़की की खुशबू जो हमारे कपड़ों में जाने वाली है, फ्लेम है मीडियम से थोड़ा सा कम, लो कह सकते हो आप, और अगेन मैं इसको कवर करूंगा बिकॉज यू नीड योर स्पाइसेस टू बी कुक्ड प्रॉपरली, वरना आपके पेट में प्रॉब्लम होगी, बोलते हैं। और मसाले सटे हो चुके हैं, ऑल सेट, सब कुछ रेडी है। अब इसके अंदर मैं टमाटर डालने वाला हूँ, ये भी पूरा एक टमाटर था, मैं इसके अंदर डालूंगा एक से थोड़ा सा कम, थोड़े से बचा लूंगा मैं, टॉपिंग करूंगा अनियन और टमाटो से, इसीलिए तो मैंने बचा लिया और ये अंदर डाल दिया है, और गैन की मिक्सर, और थोड़ा सा पानी और डालूंगा क्योंकि ड्राई हो रहा है, ऑयल बहुत कम यूज करा मैंने, बेसिकली देसी तड़का, और जल्दी बन जाएगा, 10-15 मिनट में आपकी मील रेडी हो जाएगी। मेक श्योर यू टर्न योर फ्लेम हाई और कवर इट फॉर अ मिनट, एक मिनट के बाद इसको दोबारा खोलने वाला हूँ मैं और चेक करूँगा इसके ऊपर, और फिर अपना मेन कॉलीफ्लावर अंदर डालेंगे जो रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। लिड को खोल रहा हूँ, एक और चीज़ आपने ऐड करनी है वो है जिंजर गार्लिक, अगर आपको गैस अवॉइड करनी है वरना बहुत ज़्यादा गैस होगी कॉलीफ्लावर खा के आपको, तो ये 1 चम्मच था, और
दोनों है इसके अंदर जिंजर गार्लिक, मेक श्योर यू एड इट, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए एंड लेट इट सेटल डाउन। ऑलमोस्ट जैसे हमारा पेस्ट रेडी है, मैंने बोला था एक मिनट से थोड़ा ज़्यादा इसको और कुक करेंगे, मेरे को लग रहा है हुआ नहीं है, फिर थोड़ा सा और एक मिनट से ज़्यादा कुक करेंगे एंड इट शुड बी रेडी। हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं इसको, यस इट्स ऑल रेडी। फ्लेम को आप लो कर सकते हैं जो कि मैं कर रहा हूँ। लेट मी शो यू हियर, हमारा मसाला पूरा रेडी है, बिल्कुल रेडी है, सॉस सेट। इसके अंदर हम डालने वाले हैं अपना 100 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट, लो पे ही है जो हमारी फ्लेम है। इसके बाद कॉलीफ्लावर डालेंगे और रेसिपी हो जाएगी रेडी। अच्छे से इसको मिक्स करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेक श्योर आपने अच्छे से नमक डाला, क्योंकि कॉलीफ्लावर यानी गोभी इज टोटली फ्लैट, इसके अंदर कुछ टेस्ट नहीं आएगा, और जो आपने मसाले डाले हैं, नमक स्पेशली जो डाला है वो भी फीका कर देगी, बट आप अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मैं कम खाता हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल लो पे फ्लेम को कर देना, बिल्कुल लो पे, और मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है। मैं हल्का सा इसमें पानी डालूंगा और इसको मिक्स करूंगा, फाइनल टचेस दूंगा इसको एंड ही विल बी ऑल सेट टू गो। अच्छे से मिक्स कर लेना, कोई भी आपको गोभी के अंदर कॉलीफ्लावर राइस के अंदर आपको कुछ भी वाइट पैच ना दिखाई दे। लिड लगाना है और ऑलमोस्ट 3 मिनट के लिए हम लिड को ऊपर रखेंगे और गोभी हमारी जाएगी एकदम पक। लेट्स टेक इट आउट, खोल के देखते हैं इसको। 3 मिनट हो चुके हैं, अगर 3 मिनट में ना पके तो थोड़ा ज़्यादा भी पका सकते हो, बट मेरी यूजली 3 मिनट में बन जाती है। यस ऑल रेडी। मेक श्योर आपके जो ये जो आप मील बनाइए इसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो, वरना मज़ा नहीं आएगा खाने में, क्योंकि दिस इज राइस, दिस इज बेसिकली कॉलीफ्लावर राइस। मैं इसके अंदर अब लेमन और जो बची हुई अनियन एंड टमेटोज थे वो डालूंगा टॉपिंग के लिए। दीज आर ऑप्शनल, जस्ट टू मेक इट मोर टेस्टी, बिकॉज फ्लैट फूड खाने की आदत नहीं होती। मिक्स करेंगे अच्छे से। मेरे में देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, सॉल्ट सेट और पक गई है। ऊपर से डालने वाले हम धनिया, हैंडफुल ऑफ धनिया जो हमने लिया था चॉप करा था वो डालेंगे ऊपर से। इट्स ऑल रेडी, मैं मिक्स कर रहा हूँ इसको। यूजुअली लोग धनिया को ऊपर सेटल दिखाने के लिए जोड़ते हैं, बट मैं इसको इसलिए मिक्स कर रहा हूँ ताकि फ्लेवर सारी जगह पहुंच जाए। ऑलरेडी ये थी हमारी डिनर मील, फाइनली हम डिनर मील तक पहुंच चुके हैं। होपफुली आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना, और बहुत ही टेस्टी मील है, मैं तो खाने जा रहा हूँ। मिलेंगे एक और वीडियो में बहुत ही जल्दी, वर्कआउट वीडियो नहीं होगी, कोई टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट अपडेट्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू शुद्ध मॉल फिटनेस। टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखना, हेल्दी खाना खाना, हेल्दी के साथ थोड़ा चीट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, टेक केयर, ओवर एंड आउट, सी या।